इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में, जिसको डीआरडीओ ने त्रिकाल नाम दिया है। और इसे त्रिकाल नाम दिया गया है क्योंकि यह तीन डायरेक्शन में फायर कर सकता है, 0 डिग्री, 65 डिग्री और -65 डिग्री। इसके साथ ही इस वेपन को दो पार्ट में बनाया गया है, जहां इसके अगले भाग में वेपन्स माउंट होता है और उसे रिलेटेड चीजें होता है, जैसे कि टॉर्च, इंफ्रारेड कैमरा जिसके मदद से हम लोग रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं, वहीं एक डेलाइट कैमरा भी माउंट किया गया है और इसमें एक लेजर पॉइंटर भी लगाया गया है जिसके मदद से हम लोग टारगेट को एम कर सकते हैं। वहीं इसके दूसरे हिस्से में बैटरी, वीडियो डिस्प्ले और फायरिंग यूनिट लगा होता है जिसके मदद से हम लोग फायरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे इस वेपन से फायर करने के लिए इसके अगले हिस्से में ग्लोक 17, ग्लोक 18, ग्लोक 19 जैसे पिस्टल को माउंट किया जाता है और इस तरह के वेपन को हम लोग उस जगह पर यूज में लेते हैं जहां में दुश्मनों से आमने सामने ना लड़ना हो।